नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरियर हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। इस समय जिला झज्जर के पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, अति मोस्ट वांटेड वंचित को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ जिला झज्जर में अति वंचितों पर 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बात करेंगे झज्जर के SSP अशोक कुमार सीजे, जो जानकारी देंगे इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने की और तमाम इन लोगों पर जिन पर 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। CIA वन बहादुरगढ़ की टीम के जो इंस्पेक्टर है सज्जन, उन्होंने बड़ा ही एक कामयाबी हासिल की है। सचिन जो दबोदा का था, जिसने पिछले फरवरी में ही एक्स सरपंच को गोलियों से मारा था, उसको KMP से पकड़ाया, जिस पर हमने पीछे 1,00,000 का इनाम भी रखवाया था। उस पर उसके पास सोनीपत में और भिन्न भिन्न जिलों में उसके पास काफ़ी तरह के वारदात हैं। उससे हमारी एक स्कॉर्पियो की बात खुलने के सामने आई है, और भी केसेस खुलने गए हैं। उसके पास 5 मुकदमे टोटल अभी तक के दर्ज हैं, जो दूसरे जिलों में हैं। इसके अलावा हमने जो पीछे जो ये मर्डर हुए थे, KK मर्डर और देशवाल का मर्डर हुआ था, और जो हुए थे उनमें भी हमने जो कुछ साथी थे उनके, जो मेन थे रवि था जैसे अपना झज्जर का, उसके ऊपर भी हमने माननीय DGP साहब से अनुरोध कर और IG साहब के माध्यम से हमने उस पर 1,00,000 का इनाम रखवाया है। और इसके अलावा राजू था, राजू बसोदे का है, ये भी हमारे मर्डर में शामिल है, इस पर भी हमने 1,00,000 का इनाम रखवाया है। इसके अलावा अक्षा पलड़ा, ये सोनीपत का रहने वाला है, इस पर भी हमने 1,00,000 का इनाम रखवा दिया है। और पवन उर्फ तोतला, ये भी सोनीपत जिले का रहने वाला है, इस पर भी हमने 1,00,000 का इनाम रखवा दिया है। सचिन भांजा, ये भी इस पर भी हमारे केसों में, इन तीनों चारों मर्डर में, इस पर भी हमने 1,00,000 का इनाम रखवा दिया है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो सचिन था दबोदा वाला, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरा, क्या कुछ इसके साथ मिला है? KMP से गिरफ्तार किया है, और इससे बाद से हमें एक कट्टा भी बरामद हुआ है, और आज हम इसका रिमांड पे लेंगे पूछताछ के लिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्या कुछ निकल के आया है अभी पूछताछ, क्योंकि कल ही पकड़ा है और आज हमने रिमांड पे इसको लिया है। रिमांड पे लेने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी, फिर आपको आगे से इसका बता दिया जाएगा।